वेलकम बैक चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर बेटर. वंस अगेन आई एम हियर विथ माई न्यू वीडियो ऑन अ न्यू टॉपिक, द स्टोरी ऑफ सिंदबाद द सेलर. इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो. सो लेट्स कंटिन्यू द लेसन. लुक एट दिस. When the next day dawned, Sindbad was happy to see that he had floated near an island. जब एक नया दूसरा दिन आया तो सिंदबाद ये देखकर खुश था कि वो किसके करीब तैर रहा है, एक आइलैंड के करीब तैर रहा है. A real big island, एक असली और बड़ा आइलैंड था. He could see hills and woods and trees at a distance. वो देख सकता था कुछ दूरी पर हील्स, वुड्स और काफ़ी सारे ट्रीज थे. था ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था. ही स्वैम टू द शोर विथ ऑल द स्ट्रेंथ दैट ही कुड मस्टर. जितनी ताकत वो लगा सकता था, जितनी स्ट्रेंथ लगा सकता था, उसने सारी स्ट्रेंथ से शोर मीन्स किनारे तक स्विम करके पहुंचा. एग्जॉस्टेड एंड हंगरी, वो बहुत थका हुआ था और भूखा भी था. ही ले ऑन द सैंड फॉर सम टाइम, वो कुछ देर के लिए ज़मीन पर लेट गया. देन अगेन ही मेड एन एफर्ट एंड बिगेन टू वॉक. उसके बाद क्या किया, उसने फिर से कोशिश किया और चलना स्टार्ट किया. इनलैंड टूवर्ड्स द शेडी फ्रूट trees that he could see at a distance. उस तरफ चलना स्टार्ट किया जहाँ वो कुछ दूरी पर फ्रूट्स के ट्री देख पा रहा था, उस तरफ उसने चलना स्टार्ट किया. Luckily, this was the time when the king of that island sent his horses to the seashore with the grooms. Groom means person who take care of horses. So luckily, ये कौन सा टाइम था जब वहाँ उस आइलैंड के जो किंग थे वो अपने हॉर्सेस को समंदर किनारे भेजते थे ग्रूम्स के साथ. द ग्रूम्स saw Sindbad and gave him food and drink. वो जो ग्रूम्स थे जो हॉर्सेस की देखभाल करते थे, उन्होंने सिंदबाद को देखा और उसके बाद उसे कुछ खाने और पीने के लिए दिए. देन दे टुक हिम टू द किंग. उसके बाद उन्होंने क्या किए, सिंदबाद को लेकर किंग के पास गए. द किंग वॉज इम्प्रेस्ड बाय द वे सिंदबाद टोल्ड हिम अबाउट वॉट हैड हैपन. अब देखो, सिंदबाद ने अपनी कहानी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो ये सब सुन के जो किंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ. ही आस्क सिंदबाद टू स्टे विथ हिम. किंग ने क्या कहा कि तुम हमारे साथ रह सकते हो अगर तुम चाहते हो तो. एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पॉट. और इस जगह पे एक ऑफिसर की हैसियत से तुम काम कर सकते हो. सिंदबाद स्टेड देयर फॉर अ फ्यू डेज. सिंदबाद वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुका. लर्निंग अलॉट From the king and the people on the island, वहाँ पे कुछ दिन के लिए रुका और किंग से काफ़ी सारी चीज़ें सीखा और वहाँ के लोगों से जो उस आइलैंड पे रहते थे उन लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें सीखा. And in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. बदले में वो क्या करता था, लोगों को बताता था जिस सिटीज़ में और पॉट्स में जिस आइलैंड पे वो पहले जा चुका है उस जगह के बारे में बताता था. एट द पॉट सिंदबाद ऑफ्टन मेड इंक्वायरीज अबाउट एनी शिप कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू बगदाद. इसी बीच वो इंक्वायरीज भी करता रहता था कि कोई शिप बगदाद से आने वाली है या बगदाद यहाँ से जाएगी. बट नो सच शिप एवर केम टू दैट पॉट.
लेकिन कोई भी ऐसी शिप इस पोर्ट से ना आई और ना ही जाने वाली थी। देन वन डे अ शिप अराइव एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। एक दिन एक शिप उस आइलैंड पे आई बहुत सारे मर्चेंडाइज के साथ, बहुत सारे सामान के साथ। मर्चेंडाइज मीन्स गुड्स और थिंग्स फॉर सेल, जो सामान बेचने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज। सिनबाद वॉज एट द के व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोडेड। के मीन्स प्रोजेक्टिंग इनटू वाटर फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ships। जो शिप उस आइलैंड पे आई थी उसका जो सामान जब अनलोड हो रहा था तो सिनबाद वहाँ पे मौजूद था। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज ओन नेम वॉज मार्क ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस। तो वो ये देखकर, सिनबाद ये देखकर सरप्राइज हो गया कि उसका खुद का नाम कुछ बॉक्सेस पे लिखा हुआ था। देन ही वेन टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप। जब उसने ये देखा कि कुछ बॉक्सेस पे सिनबाद का नाम भी लिखा हुआ है तो वो क्या किया, जो शिप का कैप्टन है उसे देखने के लिए गया। एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिनबाद दैट दे हैड सीन ड्राउनिंग इन द सी। जब कैप्टन ने सिनबाद को देखा तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि वो ये वही सिनबाद है जिसे उन लोगों ने डूबते हुए देखा था। बट व्हेन सिनबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस, लेकिन जब सिनबाद ने फेस टू फेस कैप्टन से बात की, देन ही रिकग्नाइज्ड हिम, तब कैप्टन ने सिनबाद को पहचान लिया। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिनबाद अलाइव। जो कैप्टन था सिनबाद को देखकर बहुत खुश हुआ। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज। कैप्टन ने सिनबाद का सारा सामान दे दिया। फ्रॉम द गुड्स दैट ही दस गॉट बैक सिंदबाद प्रेजेंटेड द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम टू द किंग ऑफ द आइलैंड सेइंग प्लीज एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी। जो भी सामान उसे वापस मिला था उसमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ सिंदबाद ने किंग को दिया ये कहते हुए, प्लीज़ एक्सेप्ट दिस योर मैजेस्टी, इसे स्वीकार करो। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस टू मी। आप बहुत अच्छे हैं और आपने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। द किंग वॉज प्लीज्ड। किंग खुश हुआ। ही टू गेव सिनबाद मैनी वैल्यूएबल गिफ्ट्स। तो किंग ने भी सिनबाद को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए। व्हेन सिनबाद लेफ्ट द आइलैंड, जब सिनबाद वो आइलैंड छोड़कर जाने लगा था विद द मर्चेंट शिप, जो शिप आई थी उस आइलैंड पे उस शिप के साथ सिनबाद जाने लगा था। इफ़ यू वॉन्ट टू नो वॉट हैपन्ड टू सिनबाद आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ हिज फैंटास्टिक वियोजेस। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद सिनबाद के साथ क्या हुआ तो आपको उसकी जो बची हुई स्टोरीज़ है उसके फैंटास्टिक वियोजेस की वो रीड करनी पड़ेगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ दिस लेसन। वी विल मीट अगेन इन माई अनदर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।